वो होगा 15 साल में, 15 साल में आपका पैसा हो जाएगा 360,000, ठीक, क्लियर। और यहां पर आपका पैसा 15 साल में देखिए कितना हो रहा है, 6,78,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित तरुंगोला और स्वागत करता हूं आज की बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। देखिए आज की वीडियो होने वाली है SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जिसके अंदर हम बात करेंगे SBI के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए आपको पता होगा SBI ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत ही माना हुआ और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड म्यूचुअल फंड है, जो कि पिछले 15 साल से 10 साल से लगातार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही अच्छी कॉन्स्टेंट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। अभी जो हाल ही में आपको बताओ मार्केट 5 से लेकर 10% तक गिरी है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको ऐसे में लमसम करना चाहिए, या आपको SIP करनी चाहिए, या आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। करंट बिल्कुल इसके करंट डेटा के साथ मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त रोहित तरुंगोला और स्वागत करता हूं मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए फंड का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, जो कि आता है हमारा SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। अच्छा, ये जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, ये दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन देगी और आपको दोनों के बारे में बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए करंट जो इसका प्राइस चल रहा है, NAV है, वो चल रहा है 85 रुपये के आसपास। पहले इसका जो NAV था वो 87-88 तक पहुंच गया था, लेकिन वो टूट के अभी करीबन 85 रुपये से नीचे भी चल रहा है अभी जो चल रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी रैंकिंग की। तो देखिए रैंकिंग इसकी 4 स्टार है। एक जमाना था कोविड के आसपास ही 5 स्टार रैंकिंग में चलता था, और एक्सिस ब्लू चिप फंड वो भी 5 स्टार रैंकिंग में चलता था। इन दोनों की टक्कर रहती थी कि कौन नंबर 1 पे रहेगा, और हमेशा SBI ब्लू चिप फंड जो था वो बाजी मार जाया करता था। लेकिन एक्सिस बैंक का जो ब्लू चिप फंड था वो भी पीछे नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद से एक्सिस ब्लू चिप फंड ने बिल्कुल परफॉर्मेंस देनी बिल्कुल बंद कर दी है, और फिलहाल वो नंबर 3 और नंबर 4 पे चल रहा है। लेकिन नंबर 2 पे अभी भी हमारा SBI म्यूचुअल फंड हाउस का ये SBI ब्लू चिप फंड चल रहा है, जो कि बहुत ही कॉन्स्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करने से पहले आपको बता दूं इसने CAGR कितना दिया है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब इसका एनुअल रिटर्न, जिसे हम AR भी कह सकते हैं। तो इसका एनुअल रिटर्न जो निकल के आया है वो आया है 15 रुपये 56 पैसे पिछले 10 से 12 साल का ये रिटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। और पिछले 3 साल के अंदर जो इसने रिटर्न निकाल के दिए वो है इसके 14.50%। देखिए 3 साल का रिटर्न कम है और एनुअल रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे और उसकी वजह से इसकी जो एवरेजिंग है वो इसके 3 साल के रिटर्न से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। 3 साल में थोड़ा सा इसने रिटर्न थोड़ा कम दिया है, क्योंकि आपको बताइए लगातार कितनी ज़्यादा क्राइसिस आई है पिछले 3-4 साल के अंदर, इसी वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम है। लेकिन उससे पहले इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए थे और अभी भी इसके रिटर्न्स अच्छे ही हैं, गंदे नहीं हैं। अभी भी आप देखिए 14.5% का रिटर्न है, मतलब ये इंडेक्स जो है उसको बीट कर रहा है, इंडेक्स का भी 14% के आसपास का रिटर्न है। आगे चलते हैं, इसके इंडेक्स की बात करेंगे, बेंचमार्क की बात करेंगे। तो बेंचमार्क है इसका BSE 100 TRI, मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टॉप लार्ज कैप कंपनीज हैं वो कंपनीज, उन्हीं कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगेगा इस फंड के अंदर, वही सारी कंपनीज लिस्टेड है। जो फंड मैनेजर है वो उन्हीं फंड्स के अंदर आपका पैसा लगाएगा। देखिए अगर मैं इंडेक्स की बात करूं कि वो जो टॉप 100 कंपनीज है वो सिलेक्ट कैसे होती है, वो सिलेक्ट होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मान लीजिए हम टॉप 10 की बात करते हैं, मान लीजिए 10वें नंबर पे अडानी ग्रुप है और उसकी मार्केट कैप आप मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक, और उससे पीछे टाटा ग्रुप है 11वें नंबर पे। तो अगर जो टाटा ग्रुप है उसकी जो नेटवर्थ है, जो कैपिटलाइजेशन है, वो 101 रुपये हो गई, मतलब अडानी से ज़्यादा हो गई, तो अडानी ग्रुप 11वें नंबर पर पहुँच जाएगा और जो TCS है वो 10वें नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी जो करंट वैल्यू चलती है मार्केट की, उसके बेस पे ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो टॉप कंपनीज होती है टॉप 100 में उन्हीं के अंदर पैसा लगता है, और कंपनियां जो है जिस तरीके से अंदर बाहर होती रहती है उसी तरीके से जो फंड मैनेजर है वो भी कंपनीज चेंज करता रहता है, जिससे कि आपको कॉन्स्टेंट अच्छे रिटर्न मिले और कॉन्स्टेंट रिटर्न मिले और आपका पैसा सुरक्षित रहे। एक्सपेंसेस रेशियो होने वाले हैं 0.86%, 1% से कम है, बिल्कुल न्यूनतम और सबसे
जिसे कहते हैं ना जेन्युइन एक्सपेंसिव रेशियो, वो है, बिल्कुल जेन्युइन है। आगे एग्जिट लोड वही है जितना मैनुअल मतलब एक्चुअल फंड में होता है, 1% एक साल से पहले निकालेंगे 1%, एक साल के बाद 0% लगेगा अगर आप पैसा निकालते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट हो सकती है। तो देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है वो है अप स्टॉक्स ट्रेडिंग ऐप। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन की तलाश में हैं जिसके अंदर किसी तरीके की चार्जेस नहीं है, ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, एनुअल चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदने पे कोई पैसा नहीं है, SIP खरीदने पे कोई पैसा नहीं है, चार्जेस नहीं है, लमसम करने पे कोई चार्ज नहीं लगते, इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, आप IPO NFO स्टॉक में खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा यूजर फ्रेंडली उसका इंटरफेस है, बहुत ही अच्छी कस्टमर सपोर्ट है। जाके आप चेक करें, अप स्टॉक्स एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगने वाले। आगे चलते हैं, बात करेंगे इसके करंट मार्केट वैल्यू की, वो है 43,365 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुका है, 43,365 करोड़ रुपए, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगाया हुआ है लोगों ने इसके अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसका 5,000 रुपये अगर आप पहली बार खरीदते हैं। आप स्टॉक एप्लीकेशन मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया, और एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर उस जो नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एकदम से KYC के लिए अप्लाई कर दें, अगर आप KYC के लिए अप्लाई नहीं करेंगे जल्दी से तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं फिर, इसलिए जो लिंक है उसके ऊपर एकदम से करने के बाद अगले दिन KYC के लिए अप्लाई कर दें, KYC करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर इसके फंक्शन के बारे में नहीं पता तो जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से चालू होता है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 5,000 रुपये से जो फर्स्ट होगी, और मिनिमम SIP आप 500 रुपये से कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं कि जो मार्केट गिर रही है इस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए, जो मार्केट गिर रही है उसके अंदर जो देश की 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी, आज भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। मार्केट गिरने का रीज़न यही है कि जो पूरे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, कोई शुभ संकेत नहीं आ रहे जो कि मार्केट को बूस्ट करे, हर जगह से बुरी खबरें आ रही हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रशिया हो, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, हर जगह पर त्राही त्राही है, त्राही माम है, हर जगह पर क्राइसिस चल रही है, मंदी चल रही है, उसका प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। इलेक्शन आने वाले हैं, ईयर एंड का क्लोजिंग चल रहा है, तो ईयर एंड के अंदर तो वैसे भी मार्केट डाउन होती ही होती है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो आप लमसम अभी मत कीजिएगा, लमसम रोक के रखिए, लमसम करने का सही समय नहीं है। SIP करना चालू करना चाहते तो कर सकते हैं, SIP आप चालू करिए अपनी, SIP अगर आपकी ऑलरेडी चल रही है तो जो फंड है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसमें कंटिन्यू रखिए, और कम से कम 5 साल के लिए निवेश कीजिएगा, 5 साल से कम के लिए निवेश मत कीजिएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए निवेश मत कीजिएगा, कम से कम 5 साल के लिए। कितने साल वाले निवेश कर सकते हैं, अगर आपकी एज 20, 25, 30, 40, 45, 50 भी है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंड है, सुरक्षित है। टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस हैं 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है। डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, चैनल पर जाएं, सर्च करें टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड, आपके पास वीडियो निकल के आएगी, वीडियो देखें, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको सीख के जाएंगे। और टैक्सेस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया हुआ है, आप जाकर चेक करिए, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है ना। अब बात करते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं, मात्र 1,000 रुपये की, क्योंकि 1,000 की SIP कोई भी कर सकता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, कोई भी हो वो कर सकता है। तो 1,000 रुपये की SIP करने के बाद 10 साल के लिए अगर आप करते हैं तो बनने वाला है 2,78,000 रुपये, 15 साल में बनने वाला है 6,78,000 रुपये, 20 साल कंटिन्यू रखते हैं तो बनेंगे आपके पैसे 15,15,000 रुपये, और अगर 25 साल तक लगातार अपने पैसे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, SIP कंटिन्यू रखते हैं, तो हो जाएंगे 32,84,000 रुपये। देखिए, मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूँ। अगर आप 15 साल के अंदर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होगी 1,80,000 रुपये, आप थोड़ा सा आंकड़ा समझिएगा, अगर आप 15 साल तक 1,000 की SIP करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 रुपये, और अगर आप 1,80,000 रुपये की FD करते हैं, ये है म्यूचुअल फंड,
और ये है एफडी। तो एफडी में आपका पैसा जो दुगना होगा, मतलब 3,60,000 जो होगा वो होगा 15 साल में, 15 साल में आपका पैसा हो जाएगा 3,60,000। ठीक, क्लियर। और यहां पर आपका पैसा 15 साल में देखिए कितना हो रहा है, 6,78,000। मतलब ये समझ लीजिए करीबन करीबन 4 गुना पैसा हो रहा है, 4.5 गुना, 3.5 से 4.5 गुना पैसा हो रहा है आपका। और यहाँ पे हो रहा है 15 साल में 2 गुना, वहां पे हो रहा है 4 गुना। और एक मजे की बात सुनिए, जो एफडी करेंगे वहां पर आपको 1,80,000 रुपये इकट्ठे देने होंगे, और यहाँ पर आप 1,000 रुपये 15 साल तक आप क्या कर रहे हैं, आरडी की तरह दे रहे हैं, हर महीने 1,000 रुपये। और अगर 1,000 रुपये की एसआईपी नहीं, आप आरडी करेंगे ना बैंक में, तो आपके 15 साल में करीबन पैसे होंगे 2,30,000 रुपये के आसपास, बस इससे ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। तो आप आइडिया ला सकते हैं कि आपको एसआईपी करके कितना ज़्यादा फायदा होता है ना। 500-500 रुपये 1,000-1,000 रुपये के आप एसआईपी कर सकते हैं और बहुत अच्छे फंड्स बना सकते हैं, एमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। बात करते हैं अगर आप 30 साल तक अपना पैसा कंटिन्यू रखते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको मिलने वाले हैं 70,00,000 रुपये, 70,00,000 रुपये 30 साल के अंदर 1,000 की एसआईपी से। क्लियर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करके किसी भी तरीके का क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन शर्त है मेरी एक, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और घंटे के निशान को दबाना होगा, तब मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अपना प्यार देते रहिएगा, वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जा पाए, जो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करा है वो भी निवेश करें और इस इंफॉर्मेशन का, इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को प्यार दें। आप भी प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।